राजनीतिक तराजू पर ये विजय असामान्य है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये बात कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में जीत के मायने उनके लिए क्या हैं। हो भी क्यों ना, 22 सालों की विकास की प्रतिज्ञा को मझधार में कौन छोड़ना चाहेगा भला। हिमाचल में प्रचंड जीत और गुजरात में चुनौतियों के बीच कमल खिलाने के बाद पार्टी के दफ्तर में शाम के वक्त ये जोरदार स्वागत, ऐसे माहौल में आप किसी भी राजनेता से क्या उम्मीद कीजिएगा कि अपनी महीने भर की ताबड़तोड़ रैलियों की थकान को वो उस रात तो कम से कम खुशी के जश्न में बदल देगा, चैन की नींद सोएगा, आराम करेगा। लेकिन ये सब पीएम मोदी की फितरत में कहां है भला। वो तो पार्टी कार्यकर्ताओं को ही जीत का श्रेय देकर वहां से रवाना हो गए और निकल पड़े अपने अगले मिशन की ओर। इस खुशी के बीच भी उन्हें वो दर्द याद था जो देश में ओखी की बर्बादी से पैदा हुआ है। लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल में आए ओखी तूफान की वजह से जिन लोगों की जाने गईं, जिनकी दुनिया उजड़ी, उनसे मिलने के लिए रात को ही निकल पड़े पीएम मोदी। देश के तमाम मछुआरों और किसानों के इस दर्द को उन्होंने जश्न की रात ही अपने ट्विटर हैंडल पर बयां भी किया। देखिए उनके व्यक्तित्व को, उनकी कर्मठता को, देश के प्रति उनके प्यार को। एक तरफ उनकी मेहनत से मिली इतनी बड़ी जीत की खुशी, तो दूसरी तरफ देश के ही कुछ भाई बहनों का दर्द। मगर उन्होंने आराम नहीं चुना, जश्न नहीं चुना, चुना तो हम सफर बनना। उनका, जिन्हें जरूरत तो थी मगर उम्मीद कतई नहीं थी कि ऐसे वक्त में भी देश का पीएम उनसे मिलने पहुंच जाएगा।